उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में रिश्तों को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्ते में नाना लगने वाले नाना ने 11 वर्षीय नाबालिग नातिन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। आपको जानकारी दे दे कि यह पूरा मामला आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र का है, जहां एक गांव की रहने वाली कक्षा 5 की छात्रा से उसके पड़ोसी नाना ने अकेला पाकर दुष्कर्म किया। मालूम हो कि नाबालिग छात्र के परिजन छात्रा को एक शादी समारोह में घर पर अकेला छोड़ गए थे, जिसको मौके का फायदा उठाते हुए आरोपी पड़ोसी नाना ने इस दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला और साथ ही नातिन को धमकी भी दी कि अगर अपनी जुबान खोली तो पूरे परिवार को मार डालूंगा। परिजनों ने शादी कार्यक्रम के लौटने के बाद नातिन ने परिवार वालों से आप बीती सुनाई, जिस पर परिवार वालों ने आरोपी नाना के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वहीं पुलिस ने बताया कि पड़ोसी के रिश्ते में लगने वाले 61 वर्षीय नाना, जो पुलिस की हिरासत में आ चुका है, जिसने अपनी नातिन के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। सर, समाज में एक रिश्ते को थाना दीदारगंज में कल रात में एक मामला प्रकाश में आया था कि एक करीब 11 बरस की बच्ची थी, अपने घर पे अकेली थी। उसके नाना और नानी उसकी माँ किसी शादी समारोह में बगल में चले गए थे। उसके नाना के दोस्त या उसके पटीदार ही, जो नाना ही लगेंगे, उनकी एज करीब 61 साल है, अपने घर पे मौजूद थे। रात में उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया उन्होंने और उस लड़की ने अपने नाना और मम्मी को बताया। मामला थाने पर आया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो जेल जा रहे हैं। घटना से इनकार वो करेंगे, चूंकि उनको लोक लज्जा का भय है, किंतु वो लड़की छोटी सी है, 10 साल की, वो बता रही है। जो उसके अंडर गारमेंट से, इनके अंडर गारमेंट से सबकी जांच हुई है, सब में प्रमाणित हर चीज़ें इसमें है, बच्ची का मेडिकल हुआ है। और रात में जब उनके परिजन लौट के शादी से आए, तब भी लड़की ने बताया कि हाँ, इन्होंने घटना हमारे साथ की है। तो घटना प्रमाणित घटना किया इन्होंने, एक बहुत ही जघन्य काम है ये कि एक 61 ईयर्स ओल्ड आदमी एक 10 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर रहा है। ये नहायत ही खराब काम है, एक नैतिकता का अधोपतन तो है ही है, और समाज का गिरावट कहाँ पे है ये भी एक शो हो रहा है। इससे हम लोग मुकदमा उचित धाराओं में लिख लिए हैं, बिटिया का हम लोग मेडिकल करा दिए हैं, उसका उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, अपने घर पे है वो, इनको हम जेल में बुक करके हम तुरंत पैरवी करवा के इनमें कन्विक्शन करवाएंगे इनका। जो अधिकतम पूर्ण न्याय मान्य न्यायालय दे सकती हूँ, चूंकि एक बड़ा ख़राब मामला है, बड़ा ख़राब में से समाज में गया है, तो मैंने अपने SO पैरवी सेल को बता दिया है कि इसमें पैरवी करा के मामले की और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला, चूँकि पॉक्सो कोर्ट है ये बना हुआ पहले से, वहाँ उसकी ट्रायल होगा, जल्द करवाएंगे इसमें हम लोग।